सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू अवर वीडियो। सो जितने भी है नीट 2023 एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने नीट 2023 का एग्जाम दिया है, आप सभी का सबसे जो है बड़ा इंतजार इसी डेट का कि आखिरकार हमारा रिजल्ट कब आउट होगा, तो इसको लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट जो है अपडेट आपको देना है कि आप सभी के लिए, यार मैंने जैसे कि आपको यार पता होगा कि जेईई मेन से रिलेटेड भी मैं वीडियोज बनाता हूँ, नीट से भी रिलेटेड बनाता हूँ, लेकिन नीट से रिलेटेड यार तो मेरे चैनल पर दोनों है। तो एक यार मेरा जो है एक ही सिर्फ टेलीग्राम चैनल था जिसमें कि नीट वाले भी जेईई वाले भी ज्वाइंट थे, तो वहाँ पर यार मैं जो है नीट का भी डालता था, जेईई का भी डालता था, तो ऐसे में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता था। तो अब यार फाइनली नीट के लिए मैं जो है अलग से एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दिया हूँ जिसमें कि सभी लोग आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि आपका नीट 2020 क्योंकि आपका नीट 2023 का जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो वहाँ पे यार इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके मार्क्स के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से आपको काउंसलिंग, ये सब से रिलेटेड मतलब पूरा यार कॉलेज एडमिशन तक जो है नीट 2023 का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से लेकर के कॉलेज एडमिशन तक सारा इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा। सो टेलीग्राम का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेक श्योर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लेना है ना, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिलते रहेगी नीट 2023 के कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड। अब ये फाइनली बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आखिरकार आएगा। तो देखो खैर प्रीवियस मतलब जितने 3-4 सालों का अगर जो रिकॉर्ड देखें ना, तो आपका जिस डेट आपका एग्जाम होता है उससे जो है लगभग 40 to 50 days का टाइम लगता है ना। एंड इस बार टाइम्स ऑफ इंडिया भी फाइनली एक टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एक मैं अभी आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें भी यार फाइनली बताया हुआ है कि 45 to 50 days का जो है टाइम एनटीए की तरफ से बताया गया है। जो भी यार मतलब कि ऑफिशियल आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं इंटरनल सोर्सेज जो है मतलब न्यूज़ मिलता है ना, तो उनका भी कहना है 45 to 50 days का टाइम लगेगा। तो अभी से यार 7 मई को आपका एग्जाम था, तो 7 जून एक महीना हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर आप लोग 45 days, उसके बाद फिर आप लोग और भी 15 days ऐड कर लो, तो मतलब 15, 7, 22, वही मैक्सिमम मतलब 15 to 20 जून के बीच में कन्फर्म है कि आपका जो है रिजल्ट आउट हो जाएगा। जैसे रिजल्ट आउट होगा यार हम लोग लाइव रिजल्ट चेकिंग करेंगे, एंड इसके साथ साथ आपके मार्क्स के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे है ना, यानी कि यार आपका अगर जो मार्क्स 350, 400, 500 है तो उसके बेसिस पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, कौन कौन से कॉलेज जो है लोअर मार्क्स पे मिलेंगे, तो कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड यार बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो मेक श्योर आप लोग चैनल पे नए हो, मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल को भी वहां पे ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो बाकी बस इस वीडियो में यही फाइनली बात करने वाला था। सो 15 से 20 जून के बीच में कन्फर्म जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।